बलदेव, संख्या 5, 7 या संभवतः 10 सहस्त्र सैनिक भी हो सकते हैं आचार्य। 10 सहस्त्र क्या? भले ही धनानंद 100 सहस्त्र सैनिक ले आए, किंतु वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शीघ्र ही चंद्र ध्रुधरा को बंदी बनाकर ले आएगा। मैंने उसे जाने दिया। क्या कहा तुमने? हाँ आचार्य, मैंने उसे जाने दिया। ये जानते हुए भी कि दुर्धरा द्वारा छोड़े गए संकेतों का अनुसरण करते हुए ही धनानंद यहां तक हमारे पीछे पीछे पहुंचा है। इस समय जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, धनानंद हम पर चारों दिशाओं से घात लगाए बैठा है। चंद्रगुप्त, और ऐसे में तुमने दुर्धरा को जाने दिया? हाँ आचार्य, मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि उसे हमारे पास बंदी बनाकर रखने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम मगध की प्रजा के मन में से धनानंद के भय को मुक्त करेंगे, और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए हैं आचार्य। प्रजा का हम पर और हमारे सामर्थ्य पर विश्वास बढ़ने लगा है, और यदि हम दुर्धरा को धनानंद के विरुद्ध एक ढाल की भांति उपयोग करेंगे तो प्रजा का तो हम पर से विश्वास ही उठ जाएगा ना आचार्य। क्या सोचेंगे वो हमारे विषय में? इसलिए मैंने उसे पुनः बंदी नहीं बनाया और जाने दिया उसे धनानंद के पास। चंद्रगुप्त के इस निर्णय में मैं उसके पक्ष में हूं। केवल कायर ही किसी भी स्त्री का युद्ध में ढाल बनाकर उपयोग करते हैं। जैसे धनानंद ने कभी मेरा उपयोग किया था। रुक जाओ सम्राट चंद्रवर्धन, अन्यथा आपकी प्रिय पत्नी अपने प्राण खो देगी। आर्य! फिर हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? अब हम सबके समक्ष एक अत्यंत कठिन चुनौती है। हमें कुछ भी करके इस महल से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना होगा, और जब तक हम ऐसा संभव नहीं कर लेते, हमें धनानंद और उसकी सेना को बाहर ही रोकना होगा। आचार्य, हम चारों दिशाओं से गिर चुके हैं, हम कैसे सुरक्षित निकल सकते हैं? जब बाढ़ का जल चारों दिशाओं से बढ़ने लगे तो मूषक अपनी सुरक्षा के लिए धरती में गहरे बिल बनाते हैं। हम भी उसी नीति का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ एक गहरी सुरंग बनाएंगे जो हमें इस महल से दूर ले जाए। किंतु आचार, हवा महल तो एक पथरीली पहाड़ी पर बना हुआ है, और यहाँ एक सुरंग बनाने का कार्य अत्यंत कठिन होगा। और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। विषम परिस्थितियों में दृढ़ इच्छा शक्ति वाली चुनौती का सामना सशक्त होकर करते हैं। हम भी वही करेंगे। हाँ आचार्य, मैं मां से सहमत, हम इस चुनौती का सामना अवश्य करें, किंतु सर्वप्रथम हमें इस महल के सभी मुख्य द्वारों को सुरक्षित करना होगा। आइए,